नमस्कार दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई जो आपके अभी ऑब्जेक्शन की आज लास्ट डेट है, 20 तारीख है, और आज आप ये 12 बजे तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आपका, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि सरासर बिल्कुल ही गलत हैं। इनका जो आंसर है वो मैं आपको सही आंसर बताऊंगा कि ये हो सकता है, और गलत आंसर जो है वो वहाँ पर दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके इसमें ऑप्शन आपको इसमें कुछ और आंसर दिया हुआ है और दूसरे को इसमें कुछ और आंसर दिया हुआ है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल के साथ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों यहाँ पे एक रेड कलर का बेल आइकन होगा, उसको दबा दें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें ये वीडियो। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि अभी जो है ये वीडियो जो है सिर्फ 1 घंटे के लिए बनाई गई है। 1 घंटे के लिए मतलब इन द सेंस कि आपको ये वीडियो मैं दे रहा हूँ और इसमें आपको अपना रिप्लाई देना है फटाफट, और इसके बाद है ना आपको अपना ऑब्जेक्शन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिस पे और आगे हम ऑब्जेक्शन करेंगे। उस पर क्या होगा, इससे होता ही है कि दोस्तों देखिए, अब ये 5 क्वेश्चन जो भी 6 क्वेश्चन जो भी हम लेकर आएँ, इनको हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, क्लियर एंड कट, कि मतलब ये गलत हैं, और इसमें जो आपको सोर्सेस कहाँ से लेने हैं उस पर लिखना आंसर में क्या है, कि मतलब वहाँ पे जो आप एक्सप्लेनेशन में कैसे क्या लिखेंगे कि भाई ये क्यों गलत है। जैसे कि डायनामो वाला एक क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया आपको ये गलत है, तो इसमें आप लिख सकते हैं रेफरेंस NCERT की बुक से हमने रेफरेंस लिया। इस तरह से आपको वहाँ पे चीज़ें बतानी है, ठीक है, और वहाँ कहाँ पर कहीं लिखा हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पर जो है जस्टिफाई करनी है इसको एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करना है इसमें, और ये सिर्फ मैं अभी इतने क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजोरिटी इसमें काफ़ी लोगों के गलत हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या इसका पहला क्या है, और देखिए इनको हम शॉर्ट आउट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे और क्या क्या क्वेश्चन है मैं निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए द स्ट्रोक ऑफ इंजन इज़, तो ये क्वेश्चन एक दिया गया था आपका, द स्ट्रोक ऑफ इंजन, जो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ हीट इंजन की, ठीक है, हीट इंजन के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। हीट इंजन जो ट्रेड टेस्ट है पार्ट बी, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, पार्ट बी। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका 1 नंबर से रह रहा है या 1.5 नंबर से रह जा रहा है, ठीक है आपका, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये 5 क्वेश्चन देखें और आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस में से देखिए, द स्ट्रोक ऑफ इंजन इज़, तो स्ट्रोक ऑफ इंजन क्या है, तो जो आपको आंसर दिया गया है आपकी RRB की तरफ से वो दिया गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसको आप गलत साबित कर सकते हैं इनके आंसर को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को। आपका आंसर जो होगा सही वो टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। जैसा कि मैंने बड़े आपको डायग्राम के साथ ये चीज़ बताई थी जब हीट इंजन पढ़ा रहा था कि भाई स्विफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, V1+V2 है ना, किस तरह से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, देखिए इसको आपको प्रूफ के साथ आपको किसी ना किसी बुक या गूगल से कहीं ना कहीं इसको सर्च करके निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे एक सिलेंडर है, सॉरी, सिलेंडर का जो पूरा वॉल्यूम, पूरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहलाता है, ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन क्या होता है, हमारा जो पिस्टन होता है, पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक ही मूव कर सकता है, ठीक है। अब जब हमारा पिस्टन ही जितना मूव कर पा रहा है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, वही तो हमारा स्ट्रोक होगा। लेकिन अभी क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ आपको, बहुत ही जगह होती है जरा सी यहाँ पे, ठीक है, मैंने आप पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे स्पार्किंग प्लग लगे होते हैं, तो बहुत ही छोटी सी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्लियरेंस टाइप का होता है, मतलब यहाँ पे आपकी जो बर्निंग गैसेस वगैरह जो लास्ट में भी रह जाती हैं थोड़ा सा, तो यहाँ अपना जो पिस्टन है पूरा एकदम उसकी वॉल तक, ऊपर तक बिल्कुल जाके अटैच नहीं हो जाएगा सीधे, ठीक है, यहाँ छोटी सी जगह छोड़ देगा, वहाँ तक ही पहुँच पाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन जो सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम क्या होगा टेक्निकली, अब देखेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा, देखिए यहाँ पे एक आप प्रीवियस एक वीडियो उठा के देखिए, वहाँ पे मैंने जब बताया हुआ है आपको सभी स्विफ्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम और ये सब चीज़ों के बारे में बताया ना, वहाँ पे आपको चीज़ समझ आ जाएगी। समझ लो आपका ये एक लगा हुआ है आपका, ये आपके वॉल्व्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपका पिस्टन जो है यहाँ तक ही आएगा, ठीक है, और इतना से यहाँ पे कुछ कुछ छोटा सा बहुत ही कम स्पेस जो है यहाँ पे आपको छूट जाएगा, जो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। थ्योरेटिकली जो है वो हम पूरे पूरे एरिया को ले लेते हैं थ्योरेटिकली, ठीक है हम, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही कम स्पेस छूटा रहेगा, ठीक है, बहुत ही कम, जहाँ पे क्या रहेगा जो कि सिलेंडर के वॉल्यूम में इंक्लूड होगा, लेकिन हमारा पिस्टन वहाँ तक नहीं पहुँचता, इसलिए हम इस क्वेश्चन को गलत साबित कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ तक हमारा पिस्टन पूरा नहीं जाता क्योंकि पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम वो कवर नहीं करता, ठीक है। पिस्टन जहाँ जहाँ मूव कर रहा है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, वही हमारे स्ट्रोक होंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो आप इसको, इसका जो है सोर्स, अगर आपने ये आंसर सही टिक लगाया तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे,
इसके लिए आपको प्रूफ ढूंढना पड़ेगा, और आप क्या प्रूफ ढूंढ रहे हैं वो मुझे इस कमेंट में बताएं, कौन सी बुक में आपको वो मिल गया है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ एक बुक बता रहा हूँ, जैसे वी गणेशन बुक, ठीक है, माथुरन शर्मा बुक, ठीक है, आपके आईसी इंजन के लिए, तो ऐसी बुकों में आप सर्च करें, वहाँ से ढूंढें, और विकिपीडिया का भी वैलिड रहता है, वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर मेरे को बताना इस कमेंट में, आपको ये पूरी प्रोसेस 1 घंटे के अंदर करना है, 1 घंटे के अंदर ये हम मेरी तरफ से इनवैलिड हो जाएंगे क्वेश्चन, समझ लो ना, कि आपको आंसर बताना है, मैंने यहाँ से सोर्स मिला मुझे और इतना मिला और इसका आंसर ये, फिर उसके बाद 1 घंटे बाद जो है मैं इसके आपको मैं खुद बताऊँगा कि कहाँ से आपको इसके सोर्सेस लेने हैं। ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से बताना, हो सकता है कि आपका वाला जो ऑप्शन आप निकाल रहे हैं, जो भी सोर्सेस, वो आपका अच्छा हो, बेटर हो मेरे वाले सोर्सेज से। ठीक है, तो प्रूफ हमें अच्छी तरीके से देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द पर्पस ऑफ डायनमो, इस डायनमो के पर्पस क्या होता है। देखिए यहाँ पे उनका RRB का जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है वो जो है कंटिन्यूसली रिचार्ज द बैटरी, जो कि गलत है। ठीक है, गलत है, मतलब अब उनने किस बेसिस पे दिया वो ठीक है, लेकिन डायनमो को हम ये भी कह सकते हैं कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए ये वाला जो है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस वाले केस में आप क्या करेंगे, इसमें जो आप रेफरेंस देंगे वो NCERT का देंगे। NCERT की किसी भी अच्छी स्टैंडर्ड, एक मतलब स्टैंडर्ड बुक तो नहीं, वो किसी भी क्लास की एक ऐसी बुक रही जहाँ पे आपको डायनमो के बारे में दिया हो। ठीक है, और वहाँ पे 101% आपको दिया हुआ कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप उस बुक का नाम लिखें कि भाई NCERT की इस क्लास की बुक है, जो 8th से लेके 10th के बीच में ही आपको सर्च कर लेना है। और ठीक है, और 12th में भी डायनमो वगैरह, 11th 12th में भी किसी भी बुक में मिल जाए आपको NCERT की, आपको वहाँ पे लिख देना है कि NCERT का रेफरेंस लिया हमने यहाँ पे, कन्वर्ट क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन जिनने लगाया, और RRB ने ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो इसलिए इसको यहाँ भी आपको गलत साबित करना है। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ होल इज ड्रिल बाय अ क्रैंक मेन जनरल एंड क्रैंक पिन फॉर, ठीक है, तो क्रैंक मेन जनरल और क्रैंक पिन में जो होल किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ये भी चीज़ सही है। RRB ने दिया है लुब्रिकेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड बियरिंग, कनेक्टिंग रॉड और बियरिंग के लुब्रिकेशन के लिए ये किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम ये भी लिख रहे रिड्यूसिंग द क्रैंक शाफ्ट वाइब्रेशन, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन जो मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, अगर ये गलत मैं बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट कर दें, क्योंकि अगर आपने लुब्रिकेशन लगाया है तो भी आपका सही हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं 101 वाला श्योरिटी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता है अगर आपने रिड्यूसिंग क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशन लगाया है, तो इसका प्रूफ आप ढूंढ लें, इसको आप सही करा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ब्लो एज अ रिजल्टेंट ऑफ हाई, ये क्वेश्चन बहुत छाया हुआ, अभी मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप में कंटिन्यू जो हमारे दोस्त लोग हैं इस पर कंटिन्यू मैसेज करे जा रहे हैं, कि मतलब किसी का आंसर जो है वोल्टेज कॉज बाय शॉर्ट सर्किट सही दिखा रहा है, किसी का आंसर दिखा रहा है करंट फ्लो बाय शॉर्ट सर्किट, मतलब दो तरह के ऑप्शंस हैं, दोनों तरफ के ऑप्शंस में ही दोनों ही आंसरों को RRB ने सही बता दिया, किसी के क्वेश्चंस जो है ये वाला सही बता रहे हैं, किसी का ये बता रहे हैं, तो आपका क्या सही है, जो भी आपका सही है मैं कहूँगा, जो भी आपका सही है, या ये वाला आपका सही है या ये वाला आपका सही है, इनका आप प्रूफ निकाल लें और अप्लाई कर दें भाई कि मेरा ही सही है, क्योंकि देखिए दो जगह ये आंसर दिया हुआ करेक्ट, एक ये और एक ये। अगर देखिए बाय चांस आपके उसमें क्या है, आपने लगाया आंसर करेक्ट करंट फ्लो बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ये लगाया आंसर, और आपके आंसर शीट में RRB की तरफ से लगाया वोल्टेज कॉज बाय शॉर्ट सर्किट, तो आप इसके लिए कुछ सोर्सेज ढूंढ लें और इसको सही करके अपना मतलब सही साबित करके अप्लाई कर दें। ठीक है, और अगर किसी बंदे का आंसर ये सही है, ठीक है, वोल्टेज कॉज बाय शॉर्ट सर्किट, ठीक है, वोल्टेज कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट किसी ने लगाया है अपना आंसर, ठीक है, और उसके उसमें जो RRB की तरफ से दे रहा है करंट फ्लो बाय शॉर्ट सर्किट, तो आप भी ट्राई कर लें, आप भी इसको प्रूफ कर दें कि वोल्टेज शॉर्ट सर्किट बाय जो भी है उस इसकी वजह से होता है, आप उसका सोर्सेज से कहीं से इसको प्रूफ करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं इसका इसलिए दोनों को बोल रहा हूँ क्योंकि RRB ने दोनों क्वेश्चन सही किए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में कौन सा सही है या एक्चुअल में कौन सा गलत है। देखिए दो तरह के इंसान हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि दोस्तों आपका देखिए प्रूफ अगर आपने कर दिया तो वो सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो 1 घंटे बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगा ना, उसमें पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि इन दोनों में से है कौन सा एक्चुअल में सही। देखिए मैं इसको अगर सही बोल दूँगा तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे और इनको सही बोल दूँगा तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए आप दोनों का ही आंसर समझ लो सही RRB दे रही है, तो ठीक है आप अपना अपना प्रूफ निकालें और इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, 50 रुपये ही तो लगने हैं यार, कुछ नहीं जाना है, अगर आपका सही हो जाएगा तो आप सही है ना, आपका फ़ायदा हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ पुअर क्लच, पुअर क्लच का सिम्टम क्या नहीं है। देखिए तो
यहाँ भी एक डाउटफुल वाला क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है वाइब्रेशन ऑफ इंजन, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ इंजन क्यों नहीं है, क्योंकि यह नॉकिंग वगैरह से वाइब्रेशन ऑफ इंजन होता है, ठीक है। पुअर क्लच की वजह से मतलब इतना कह भी सकते हैं उसको, ठीक है। ये भी सही हो सकता है, इंक्रीज द इंजन नॉइस वन पैडल प्रेस, तो पैडल प्रेस करते जब इंजन में नॉइस बढ़ती है, ठीक है। ये जो केस है वो आरआरबी ने सही किया है, तो मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है इस वाले क्वेश्चन में। आप लोगों की क्या राय है आप बिल्कुल इस वीडियो के एंड में बिल्कुल बता दें कि ये आपके हिसाब से सही है, जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनमें से कौन सा सही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल शेयर करना है, अभी फटाफट करना है, क्योंकि ये वाले अगर ये वाली प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है और आपके 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं में से हैं, तो आप क्या करना है इन क्वेश्चंस को अभी अप्लाई कर देना, बस डाल ही देना आप इसको, ठीक है। फिर ज़्यादा वेट मत करना, और फिर हम क्या करेंगे आगे के देखेंगे, आगे के क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं अभी 1 घंटे बाद, ठीक है। इनको पहले क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइए, जो कि आरआरबी जेई के लिए आप लोग के सॉरी जेई नहीं यार, अभी आपकी जो डिस्कशन चल रहा है ना इसके लिए ग्रुप बनाया हुआ मैंने हीट इंजन के लिए, ठीक है। तो उस पर लिखा हुआ है कि स्विफ्ट 3 23 जनवरी हीट इंजन है, इस करके लिखा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो में, लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्टडी आइकन चैनल सर्च करें, चैनल पे आपका जेई का कोई सा भी ग्रुप मिलता है वहाँ पे ज्वाइन हो जाए, और वहाँ पे मुझे मैसेज कर दें अपना कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर इस वीडियो के नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे ना कमेंट कर दें, तो मैं ऐड कर लूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप वैसे नहीं सर्च कर पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, मेरा स्टडी आइकन करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप में मेरे नंबर से बनाया हुआ है, तो आप स्टडी आइकन ग्रुप नहीं जेई नहीं कुछ नहीं, स्टडी आइकन पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, तो मैं आपको ऐड कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वीडियो, और जल्दी से मुझे कमेंट कर दें, और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जय हिंद दोस्तों।